अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और आज मैं थोड़ा सा आप लोगों को मौसम दिखाऊँ। मौसम भी काफ़ी अच्छा है, हवा बहुत अच्छी चल रही है। तो आज संडे का दिन था, तो हम लोग सुबह सुबह जो है वो निकले थे इम्तियाज़ के लिए, लेकिन इम्तियाज़ बंद था। 10 बजे आज ओपन हुआ था, तो हमने कहा चलो हम हलवा पूरी लेने चलते हैं, हलवा पूरी का नाश्ता करते हैं। तो धमतल गए, वहाँ काफ़ी अच्छी बेकरी है, तो वहाँ से एक है हलवा पूरी ली हमने। और ये देखें यहाँ पे बन रही है, और ये लाइन लगी हुई थी। यहाँ पे बैठने का भी, ये आप लोग बैठ भी सकते हैं और पार्सल भी करवा सकते हैं। तो बस ये हलवा पूरी लेके आए, और उसके बाद जो है इनका, मुझे ना सालन बहुत अच्छा लगता है। जो ग्रेवी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है इनकी, और जगह से लो तो वो मुझे अच्छी नहीं लगती। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, हलवा है ये। और ये पूरी ली थी, 6 पूरियाँ थी। फिर उसके बाद हम लोग इम्तियाज़ गए, 10 बज गए थे। हमने कहा जल्दी जल्दी चले जाएं क्योंकि रश बहुत होता है, ग्रॉसरी करनी थी। तो इम्तियाज़ से ये है कि ग्रॉसरी की हमने सैनिटाइज़र वगैरह भी लेना था रामिन के स्कूल के लिए, और ये केक भी एक ले लिया था। काफ़ी अच्छी बेकरी है इम्तियाज़ की, सारे फ्रेश आइटम्स होते हैं और केक काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं, प्राइस भी बहुत रिजनेबल होते हैं। और ये सब रोज़ों पे डील तो नहीं थी, बट मैंने लिया नहीं। बस फिर ये कि हमारे ग्रॉसरी कंप्लीट हो गई थी, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था क्योंकि हम सुबह ही चले गए थे। वालेकुम एवरीवन। तो आज हम लोग लाहौरी फ़िश फ्राई बना रहे हैं। तो मौसम भी जैसे अच्छा है, वेदर जैसे आजकल अच्छा चल रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, तो फिश आप लोगों को वैसे भी हमें वीक में 2 दफ़ा खानी चाहिए, बट हम लोग ये कम ही इस्तेमाल करते हैं। तो चलें अब हम लोग रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये मैंने फ़िश ले ली है, रेड स्नैपर थी मेरे पास, और जिसे हीरा कहते हैं। ये देखिए इसको मैंने अच्छी तरीके से वॉश करके और इसका पानी ड्रेन आउट करके रख लिया था। ठीक है, ये मेरे पास फ़िश है। मैंने तकरीबन 2.5 किलो का पीस था ये, जो सफाई वगैरह के बाद 2 किलो का रह गया था। अच्छा, अब हम मैरिनेशन सारी बनाते हैं। इसके लिए जो जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी मैरिनेट करने के लिए, ये मैंने लिया है साबित धनिया, ज़ीरा, उसको अच्छी तरीके से भून के पीस लिया था, थोड़ी सी अजवाइन ऐड की थी, थोड़े से चिली फ्लेक्स हैं, रेड चिली है, और ये है हल्दी पाउडर, ये ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये ऐड कर दिया हमने। ये कसूरी मेथी है, अच्छी तरीके से इसको वॉश करके 1 टेबल स्पून के करीब तकरीबन ये है, ये ऐड कर देते हैं इसमें। और जिंजर गार्लिक पेस्ट जाएगा तकरीबन 1 टेबल स्पून इतना, ठीक है, 2 टेबल स्पून के करीब, क्योंकि हमारी फिश ज़्यादा है। थोड़ा सा जो है मैं चिली सॉस यूज़ कर रही हूँ, जस्ट ये के इसको फ्लेवर देने के लिए। आजकल आप लोगों को पता है बच्चों को बड़ों को बस फ्लेवर चाहिए होता है, जैसे बाज़ार में हमने खाई है वैसा फ्लेवर आए। ये ऐड कर दी, और सोया सॉस है मेरे पास, ये ऐड कर देते हैं इसमें 1 टेबल स्पून के करीब। सॉल्ट टू टेस्ट, जितना आप लोगों को चाहिए वो ऐड कर देते हैं इसमें जी। तो सॉल्ट ऐड कर देते हैं इसमें, सॉल्ट ऐड कर दिया था मैंने, और पेपरिका पाउडर, ठीक है, और सिरका, या ये मेरे पास एप्पल विनेगर है, एप्पल साइडर विनेगर, ये ऐड कर देंगे थोड़ा सा। आप लेमन भी डाल सकते हैं इसमें, इमली का पल्प भी डाल सकते हैं, इट्स अप टू यू कि आप क्या पसंद करते हैं। ठीक है, अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे इसको। अब हम इसमें फिश में ये सारा मसाला लगा देंगे। आजकल तो मक्खियाँ इतनी हैं, जितनी सफाई कर लें कम है। ये अभी ड्राई मसाला है, एक और मैं बैटर इसमें ऐड करूँगी जो हम डिप करके इसमें फ्राई करेंगे। अभी मैं इसमें ये हमने मसाला लगाना है इस तरीके से, ठीक है, ये देखिए। जैसे मैं शाम के टाइम हो रहा है, शाम में मसाला लगा रही हूँ, आप लोग अब रात में मैं फ्राई कर लूँगी इसको, तो ये कि मसाला अच्छे तरीके से अंदर तक इसमें लग जाएगा। या आप फ्रीज भी कर सकते हैं इस स्टेज पे इसको, बस इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो ख़राब है। ये देखिए
सारा मसाला इसमें हम डाल लेंगे। ये रहने देते हैं, बस इतने काफ़ी है, ये देखें ठीक है। अब इसको मैं मैरिनेट करने के लिए रख देती हूँ, फिर एक और बैटर बनेगा उसके बाद हम आपके साथ शेयर करते हैं। अब मैं मैरिनेशन के लिए इसको रख दूँ। तो ये देखें फिश फ्राई मैरिनेट हो गई है ठीक है। अब जो मैं बैटर बना रही हूँ, मैंने बेसन ले लिया 4 टेबल स्पून के करीब, सॉल्ट ऐड कर दिया मैंने इसके अंदर, थोड़ा सा हम फूड कलर ऐड करेंगे। खुल नहीं रहा था तो मैंने ऐसे ओपन कर लिया इसको, बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करेंगे बस कलर के लिए ना ठीक है। देखें इसका बैटर बना देते हैं थिक सा। जी तो ये देखिए मैंने बैटर बना लिया इसका। अब जो है मैं ऑयल गरम करती हूँ फ्राइंग के लिए, तो हम इसको फ्राई करते हैं। अच्छा अब ये देखें अब ऑयल गरम हो गया है, अब हम वन बाय वन इसको इसमें डिप करके फ्राई करते हैं। ये देखें ऐसे किया, आप लोगों ने स्ट्रीट फूड पे भी खाया होगा तो वो इसी तरीके से करते हैं। सरसों का तेल है तो बहुत अच्छा है, बट मेरे पास ऑलिव ऑयल था, अभी सरसों का तेल नहीं था तो मैं इसमें बना रही हूँ ठीक है। अब ये देखें मैं इसके अंदर डिप कर रही हूँ, माशाल्लाह मछली बहुत अच्छी होती है। और विंडो मेरी खुली हुई है तो वहाँ से काफ़ी हवा आ रही है। इसकी हम मीडियम फ्लेम कर देंगे जी। तो ये देखें फ्राई हो रही है, अभी मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ूंगी, जब ये एक तरफ से बिल्कुल डन हो जाएगी फिर मैं इसको पलट दूंगी तो नहीं चिपक जाएगी जी। तो मैं अब इसको टर्न कर देती हूँ, ये देखें बहुत आराम के साथ, ये देखें स्लो फ्लेम पे बनाया है इसको। जी तो ये डन हो गया, अब मैं इसको निकाल लेती हूँ, तो अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। जी तो अब मैं इसी तरीके से बाकी भी फ्राई कर लेती हूँ जी। तो ये देखें फिश फ्राई हो गई है, मैंने इसको फ्राई कर दिया है और नज़र आपके सामने आ रही है। और लेमन इसको यूज़ करें, इसको खाएं, और इतना अच्छा इसका कलर आया है जैसे आप लोगों को नज़र आ रही है। और ये मेरे पास इमली की चटनी बनी हुई थी, ये वो है, रोटी के साथ सर्व करें इसको। तो आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ओके थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।